छोटू 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 पकड़ लिया मैंने छोटू को पकड़ लिया। नल्ला है जो बुरी गत की सीधा खड़े रहे, बेशर्मी की आखिरी बॉर्डर है तू, समझ रहा ना? अरे अरे मैं नहीं, ये अंदर है, अंदर है, चल। अरे बाप रे बाप, अरे गया रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, लेके जाइए फुलेल मदारी को बोरी गत के को, मैं तो यकीन मान इसका डमरू फोड़ डालूंगा मैं। क्या दे तेरे हुए चुप्पे बैठे ले इसको, नहीं तो इसके बाप की जगह ये पड़ेला रहेगा। एक टक्कर के अंदर आदमी उड़ जाता और दूसरी टक्कर में ऊपर चले जाता। सनी देवल की फुलेली लाश इसको लेके जा रहा, तो मैं मेरी जान का ही कुछ कर लेती। हाँ कर ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। झगड़ो तुम सब, मैं मेरी जान का ही कुछ कर लेती। हाँ कर ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बोला भाई तूने? देखू तो मैं बेटा जेल में भेज के रहूंगा सत्के के बकरे। हाँ ये बात ध्यान रखना तूने। तू हटो, तू काहे को बीच में आ रही? तू जरा तमीज से बात कर, लेके जा रहा कि नहीं? पूरा है तो कुछ भी बोले क्या बुरी गत का? तुम लेके जाओ इसको जी। हाँ नहीं तो मैं बाबा को कह रहा था, बाबा देखो ये हड्डे की बखार को बहन को मत दो, नहीं शादी के बाद हालत पकड़ लेगा बेटा, नहीं शादी के बाद हालत पकड़ लेगा, शादी के बाद बुरी गत का तीन पाव और काम हो गया। अरे तेरी बहन को ये हड्डी का ढांचा पसंद आया था? हड्डी का ढांचा पसंद आया था जब तो उसकी आंखें का ऑपरेशन हुआ था, बराबर दिखता नहीं था बुरी गत की को। तू भी जा भावी अंदर। अभी तो जा रहा मैं, लेकिन है ना मेरे जिम्मेदार को लेके आऊंगा, और जहाँ तक कि इसकी बात है ना, इसको तो मैं लेके जाऊंगा और सबके सामने लेके जाऊंगा। तू जा रहे लेके जा रहे, तू न तो मेरी मेरी जान का कुछ भी कर लूंगा बुद्धि करके। ए माँ, अबे तुम क्या मेरा मुंह देख रहे, बाबा को उठाओ दे। अरे चल चल लेके जाऊंगा, देख लेना, लेके सबके सामने लेके जाऊंगा इसको। तू चल जा यहाँ से, चल देखता देखो बाद में। तू क्या देखेगा मेरे को भैया? बाबा बाबा क्या है, बात करूं कि नहीं करूं मैं तुमसे? अरे तो क्या है भाई, देख मैं पहले बहुत संताप में, बहुत टेंशन में आया, एक तो जबरदस्ती दिमाग खराब करने वाले वादा करना मत, क्या है बोल? मैं क्या कह रहा, बहन को कब तक बैठा के रखेंगे घर को, भेज देते ना उसको। कब तक बैठा के रखेंगे? अब के मैंने मेरे हाथ से नल्ली दबा के मार डालना उसको, क्या रे तेरी कमाई में से खिला रहा क्या उसको? इसमें खाने खिलाने की कौन सी बात है और नल्ला दबाने की, मैं ये कह रहा कि वो संसार करेंगी जाके, कब तक बैठा के रखेंगे? अरे तो कोई जिम्मेदार आएंगे तो भेजूंगा ना, जिम्मेदार भी कैसे कैसे ला रहा वो, उनके खुद कोई जिम्मेदार नहीं देंगे, ऐसे जिम्मेदार तो लेके आ रहा हो। हाँ भाई एक के को लेके आया मैंने, दूरी को भेजो। ए दूरी तिरी जरा लाइन से रहे। ए कौन है भैया? कौन है? अरे बड़ा अब्बा है ये। बड़े अब्बा है? अबे खाली मुंह से बड़ा है वो, अब्बा वाली एक भी बात नहीं थी खाली, मालूम है क्या उसमें? क्या बात क्या है, आराम से बात करना। ये हम है ना जुगारी लोग नहीं है। किसको किसको लेके आ रहा है? हाँ भाई अब तक किसको किसको ला रहा, क्या है ये, क्या तमाशे है? अरे मामू कुछ तो इज्जत कर लो उनकी, अरे मेरे बड़े अब्बा है वो, ऐसा ऐसा कर रहा आगे। एक काम कर दो निकाल इनको बाहर। ए कौन है रही है? ए ए तूने क्या मेरे को गुलाम समझ लिया क्या? हुकुम का इक्का है मैं, इक्का पूरी करके। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना एक ही फैट में है ना, देखो स्पीक का छक्का बना दूंगा, समझ लेना। हाँ हाँ तो कैसा करते फिर, एक ही बात में फैसला, अंदर या बाहर? हाँ तो दस्ता गिरा ना वो हमारी, गुलाम गिरा दे तुम्हारा। बोलो कैसा करते, जीत भी तेरी पट भी तेरी। है कौन है रे ये, कौन है रे ये? मेरे बड़े अब्बा है। अबे क्या बड़े अब्बा, तेरा सत्ता डब्बा खेलने वाला है वो, जुगाड़ी कहाँ से लाया रे इसको? ये ना मेरे को पक्का जुगाड़ी दिख रहा है, इनको बाहर निकाल। कैसे कैसे लोगों को लेके आ रही है, कौन है रे ये? सच्ची बोल दादा, तुम इतनी बेइज्जती मत करो, मेरे बड़े अब्बा है वो, निकाल देने इसको बाहर निकाल दो। मैं क्या बोल रहा हूं तो बात सुन ले तू। क्या क्या? अरे दादा मेरी बात तो सुन ले तू। चल मैं कर चल। अरे मैं अरे यार कैसे कैसे लोगों को लेके आ रहे हैं। सोनी मैं आ गया। अरे ऐसे आने से तो तेरे को मौत आ जाती तो अच्छा रहता। क्या रे बुद्धि गपके, कल के दिन तूने जुगारी लाया था, आज का तूने शराबी लाया करे। ये भान फिर आ गया भला यार, तू एक काम कर इसके ना तंगड़ा दौड़ डाल, जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरे बाल बच्चे सब पाल लूंगा। जा ये गया मेरे हाथ से। हाँ देखा जाएगा, जो हाथ तोड़ी डाल इसके हाथ तंगड़ा।
ए रुक रे रुक रे रुक। दादा ये क्या चल रहा? बैठो समझी बैठो। क्या दादा बोले बैठ गया है? तुमको क्या चल रहा है सब ये? अरे तुमको आधे घर की खबर नहीं, पहले बैठो नीचे बैठ। क्या दादा अब आया भाई तू? हाँ तेको तो आधे घर की खबर रहती नहीं। अरे क्या आधे तो घर की खबर दादा, इससे तो मेरे को कल मालूम पड़ा पूरे घर की खबर। कल मालूम पड़ी? इतने दिन सो रहे थे दादा तुम फिर? अरे सो रहा नहीं था दादा, ये मैंने यहाँ से ले गया शादी करके। हाँ तो क्या कर रहा, रहा नहीं, दो महीने के बाद ही घर से निकल के अलग रहने को चले गए। करने करने में तो बड़ा आगे 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 करके ले गया तूने। मैं बड़ा है, मैं बड़ा है, क्या बोलूं दादा। हाँ? अभी आज का दौर कैसा चल रहा दादा, कब लड़का लड़की रहने वाली? अरे जिम्मेदार तू था ना, तूने जिम्मेदारी लेकर गया था ना। ठीक है दादा, अब आया ना मैं उसके वास्ते आया ना, कुछ ना कुछ करता फिर। ठीक है, ये तो कैसे कैसे लोगों को ले लेके आ रहा, नवे नवे लोगों को, ये रिश्तेदार है मेरा, वो रिश्तेदार है मेरा, कभी जिंदगी में देखा नहीं मैंने उनको, उनको ले लेके आ रहा हूँ। कैसे कैसे लोग को ला रहा मालूम है क्या? जुगाड़ियों को, शराबियों को, गुंडों को ला रहा हमारे घर पे। ये कैसे कैसे अजीब अजीब लोग को ला रहा। ये देखो मेरी बहन करीना जैसी दिखती थी, जब शादी हुई थी तो बुरी गत के ने करीने की नहीं रखा उसको। और तुमको क्या बताऊं, ये क्या करता तुम्हारा बेटा मालूम है क्या? हटक से टी शर्ट छुपा देता कहीं भी और फसली में मारता, पता मेरा टी शर्ट का है, पता मेरा टी शर्ट का है, ऐसा करता वो। वो तो दादा क्या कर रहा है मालूम, रात रात भर पत्ते खेल रहा, पत्ते पत्ते खेल रहा, ना धंधे पाने को नहीं जा रहा ना वो। पत्ता मोती तोड़ के खा गया, उसके अयरिंग तोड़ के खा गया, थोड़े बहुत पैसे हम देते वो ही ले ले खा जा रहा। वो तो अच्छा हुआ तुमने सही टाइम पे बहन को लेके आ गए घर को, नहीं तो बुरी गत का है ना, इसकी कितनी बेच डालता था। अरे बेटा जैनिया तू बिल्कुल सही बोल रहा, इसने मारे तुम लोग की चोरी से ना पोरी को चांदी की चूड़ी और फूल तोड़े बना के दी थी, वो तक ये काम चोर ने भेज डाला। देखे दादा देखे ना ऐसे करतूत क्या क्या है, क्या क्या बताना हमने इसके मारना तुमको। अरे किसको किसको लेके आया तुमने समझाने में? हाँ मेरी नाक कटा दिया तुमने समझाने के अंदर, तेरे को बाप को लाने की कोई शर्म आ रही थी तेरे को? इतना मामला बना के रख दिया तूने यहाँ पे। अरे थोड़ी बहुत मेरी इज्जत तो रखता तू, मेरे गांव में कितनी इज्जत है तेरे को नहीं मालूम क्या? तेरे घर इज्जत राजा, पर तेरा इसको इज्जत से रख तू। अरे क्या बोल रहा दादा, इससे औलाद से नहीं रहती, औलाद अच्छा रहता। इसका भी कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा दादा, इसके वास्ते तो आया मैं। उसके वास्ते आया, अभी जो भी हो गया आगे पीछे का जो भी मसले हुए तुम्हारे उसको मट्टी डाल दो। अब बैठ के मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता, जैसा मैंने शादी करके पहले लेकर गया था, अभी भी मैं मेरी जिम्मेदारी पे मैं लेके जाऊंगा उसको। और ये सोनी जो है ना तुम्हारी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसको मेरी बेटी बना के लेके जाऊंगा और मेरे घर पे रखूंगा उसको। देख दादा अगर वो तेरे घर पर रहेंगी है ना तो हम भेजेंगे, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी उनके घर पे रहे। बराबर है तू दादा, बिल्कुल टेंशन मत ले समझी, मैंने जबान दिया, जबान मेरी पक्की। अरे खालू तुमने इसके पहले भी जिम्मेदारी ली है ना, दूसरी टाइम होगा तुम्हारा ये है। अगर इसके बाद तुम्हारे बेटे ने अगर कुछ गड़बड़ करा ना तो ये तुम्हारा डब्लू वाला मुंह है ना तुम्हारे बेटे का, एंड कर दूंगा है ना, ये बात मैं तुमको बोल दे रहा। मुझे तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैंने जिम्मेदार लिया ना, सोनी को पूछो। मैंने तेरे को शादी करके ले गया तो कोई तकलीफ दिया क्या? नहीं पापा, बस इनका ही टेंशन है। जाए सोनी तैयारी कर, और दे ना कूड़े जरा सीधे रख, अब जरा सांस फेंकिया कर बाहर, मैं तो एक हाथ टाइम दामगी में रुका ना जगो पे कड़क हो जाएगा, समझा क्या? हाँ नहीं तो क्या, और मेहरबानी करके अब मत करना है, तुमको मालूम नहीं है होटला पे बैठ के लोग है ना बाता करते थे कि जैनिया फंसा जंजाल में। ससरे का टेंशन ले लूं, घर में सभी हुक्म चलाए, किस किस के मैं नखरे झेलूं।